और अल्लाह के रसूल सल्लम पर ईमान लाने वाले अक्सर जो लोग थे वो नौजवान थे, जवान लोग थे, बूढ़े बहुत कम थे। और आज भी ऐसा ही है, दीन के साथ में इस्लाम के साथ यही हुआ, इसमें अभी भी बूढ़े नहीं आते। और मैं तो कहता हूँ बूढ़ों को छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्यों बिला वजह काम खराब करने का काम, क्योंकि वो सब जवानों को भी ले जाएंगे आप, तो ज़्यादा नहीं छेड़े तो ही अच्छा। जवानों पर काम करो, जवान ही अक्सर रहते हैं तो इसमें जवान ज़्यादा होते हैं, तो वो नौजवानों को अल्लाह पसंद करता है। और इतना पसंद किया अल्लाह ने नौजवान को कि एक जो सूरह कहफ के अंदर एक वाकया मिलता है हमको असहाबे कहफ का, तो अल्लाह ने वो कहा कि वो चंद नौजवान थे, अल्लाह ने उनका जिक्र किया। अब वो कौन थे क्या थे उस पर फिर ईसाइयों ने बहुत उस पर बहसबाजियाँ की, वो ये थे, इतनी उम्र थी, इतने साल सो गए थे, चार थे, पाँच थे, दस थे, कुत्ता था, नहीं था, बहुत सारी इस पर। तो अल्लाह ने कहा कि वो असल पे आओ, उसकी गिनती पे, तादाद पे, कब सोए, कितने सोए, वो छोड़ो, असल उससे नसीहत क्या लेना है वो। अल्लाह ने उन नौजवानों का जिक्र उसमें बाकी रखा, हमें नहीं मालूम कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या उनका मामला था, लेकिन ये है कि उनकी हर बात को अल्लाह ने, वो घर में छुप गए, ईमान लाए, उन पर जुल्म किया गया तो घर में छुप गए, और उनकी एक एक बात का अल्लाह ने ऐसे बयान किया कि जिस तरह आम बात है ऐसी बात बयान की अल्लाह ने। यानी इतनी नौजवान जो ईमान लाते हैं अल्लाह को इतने पसंद है, क्यों क्या, जैसे आम तौर पर जैसे हमारे कमरे के अंदर होता है, हम अगर दो तीन लोग जवान उसमें सो रहे और जब एक साथ वो तीनों चारों उड़ जाए तो कहेंगे अरे क्या टाइम हो रहा है, अरे कुछ भूख लग रही है, नाश्ता लेकर आओ यार। वो उनकी जो कैफियत थी, वो जो घर के अंदर उनकी बातचीत थी, अल्लाह ने कुरान में नकल कर दी। मतलब वो क्या शख्सियत होंगे जिनका जिक्र अल्लाह ने बाकी रख दिया, वही कि वो उठ के वो कह रहे हैं कि कितना वक्त हुआ, क्या हुआ, और जाओ बाजार से कुछ खाने को लेकर आओ, आम बातचीत है, लेकिन अल्लाह ने नकल की। नौजवान को अल्लाह पसंद करता है, ईमान लाने वालों को, तो अल्लाह ने उनका क़यामत तक के लिए ये जिक्र उसका बाकी रखा। तो अब ये कि नौजवान, तो नौजवानी का एक मकसद भी होता है, ये जवानी गुजर ना जाए, जिस मकसद के लिए भेजा वो मकसद में जवानी लगे हमारी, जिसकी निकल गई जो बची है उसको गनीमत जाने और उसके दीन के लिए लगाए, अल्लाह की राह में उसको लगाए। तो ये ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसके बारे में सवाल किया जाना है, जवाब देना, इसके बिना चारा नहीं, बंदा पीर हिला नहीं सकेगा अल्लाह के काम से, उसका जवाब देना पड़ेगा कि जवानी कहाँ पर गुजारे, ज़िंदगी का अहम हिस्सा पूछा जाना है उससे। अल्लाह के रसूल सल्लम जवानी में बहुत खूबियाँ अल्लाह के रसूल सल्लम की, पूरी ज़िंदगी सिफात अल्लाह के रसूल सल्लम की थी, लेकिन जवानी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लम थी, क्योंकि हम नबूवत से पहले की ज़िंदगी देख रहे हैं जब आप जवान थे, और आखिरी तक ये सिफातें आपके अंदर रही, हर चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लम के अंदर थी, लेकिन जो नज़र आती थी, जो खास, जो हर कोई देख सकता था, वो क्या सिफत थी अल्लाह के रसूल सल्लम की, वो सबसे ऊपर थी। वैसे तो सब सिफतें अल्लाह के रसूल की सबसे आला है, सबसे ऊपर है, लेकिन उसके अंदर भी जो सबसे ऊपर जो अल्लाह के रसूल की सिफत थी वो क्या थी, क्या सच्चे थे, सादिक थे। और ये खिताब लिखता था, इसलिए लोगों ने मिल के दिया था लकब अल्लाह के रसूल सल्लम कि ये सादिक है, ये अमीन, अमानतदार, तो ये दिया था। अब ये जो चीज़ है अल अमीन का जो भरोसा किया जाता अल्लाह के रसूल सल्लम किया जाता था, अलमीन उनको कहा जाता था, लेकिन आज किसी मुसलमान को अलमीन नहीं माना जाता। ये सिफत जो अल्लाह के रसूल की सबसे आला सिफत थी, जो लोगों ने देख कर दी थी उनको, लेकिन ये सिफत आज मुसलमानों में देख कर नहीं मिलती है, बल्कि अब ये है कि कभी कभी था ऐसा, ऐसा नहीं कि अब ये भी कुछ वक्तों में ख़त्म हुआ है, कभी ऐसा था कि गैर मुस्लिम मुस्लिम मुलाजिम को रखना पसंद करते थे, उन पर इतना भरोसा करते थे कि ये आदमी, ये ईमानदार होते हैं, ये कभी बेईमानी नहीं करेंगे, उनके साथ वो हिफाजत महसूस करते थे, सुरक्षित महसूस करते थे और मुसलमानों को रखा करते थे। लेकिन आज जो है मामला ऐसा हो गया है कि उल्टा हो गया कि मुसलमान मुस्लिम को रखना पसंद नहीं करता कि यार ये तो सिवाय बेईमानी के और कुछ भी नहीं करेगा, गैर मुस्लिम को रखता, उस पर ज़्यादा यकीन हो गया उसको कि बेईमान वाले को रख रहा है, ईमान वाले को नहीं रख रहा, क्योंकि हमारा किरदार इतना ख़राब हो गया, उल्टा हो गया, जबकि ये हमारे पास में था। तो अल्लाह के रसूल सल्लम क्या है कि सच्चे थे, और नबी उसी को बनाया जाता है जो सच्चा, जो कभी झूठ ना बोले, नबी उसी को बनाया जाता है, अल्लाह इसीलिए उनको रिसालत देता है जो जिसके अंदर झूठ बिल्कुल ना हो। तो अल्लाह ने गवाही दी कुरान के अंदर, खासकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, सिद्दीकन नबिया, ये सच्चे थे, ये झूठ नहीं हो सकते, झूठ नहीं बोल सकते, ये जो इस खास सिद्दीक थे तो वो सच्चे थे। अब ये जो जवानों को ये है कि कार्य रिसालत अंजाम देना जो अल्लाह के रसूल ने छोड़ गया,
तो पहली चीज की सच्चाई है उनके अंदर, जिस और ऐसी सच्चाई ये नहीं कि बस खुद के कहेंगे मैं सच्चा हूं, लोग कहेंगे सच्चा है तब वो सच्चा माना जाता है, कि लोग उसकी गवाही दे के वाकई में सच्चा है, तो ऐसा भरोसा होना चाहिए। और दोनों चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी और सच्चाई दोनों थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी उनकी अमानतदारी को मानते थे। एक दुश्मन ही अपनी जगह कि उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, उनकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई अमानत रखनी होती थी तो किसी पर भरोसा नहीं करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाके देते, आप रखो, दुश्मन ही अपनी जगह लेकिन अमानत आप रखिए, तो ये रखा करते थे, अल्लाह के रसूल अमानतदार भी थे। तो ये मकाम होना चाहिए। तो फिर उम्मती, फिर उम्मती कहलाने लायक है, फिर सिर्फ कह दें हम कि हम उम्मती हैं, नाते गाले, तो फिर कुछ नहीं होगा, पहले ये होना चाहिए। और एक वाक्या, एक मुस्लिमों का एक वाक्या भी हाल का भी है, किसी ने मुझे बताया था वाक्या, गुजरात के अंदर जब फसाद हुए थे, अभी जब हुए थे, जब हुए उस वक्त में एक गुजराती था, गैर मुस्लिम, उसके एक मुस्लिम मुलाजिम था, और उसको उसने अपने घर में छुपा के रखा और उसको बचा के रखा, बोले इसको कुछ नहीं होना चाहिए, जबकि वो खुद बाहर जाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा, पैसे लगा रहा, वो कहा कि इनको तो मारो, पीटो इनको, जान से मार दो, आग लगा दो, इनको तो करो, उसमें पैसा लगा रहा, और उसके घर के अंदर जो मुस्लिम है उसको बोले नहीं इसको बचाओ, ये किसकी ज़रूरत है मुझे, ये मेरे फायदेमंद है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी बाहर वो पैसा लगा रहा, फंडिंग कर रहा, जाके लड़ रहा है। तो ये अब ये क्यों हुआ, क्योंकि वो उनसे उसको फ़ायदा था। तो आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे तो आपको फिर किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, ये लोग जो आपको समझ, आप समझ रहे हैं ये दुश्मन है, कि आपकी हिफाजत के खड़े हो जाएंगे अगर लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे, और मुसलमान को भेजा इसलिए गया कि लोगों को फ़ायदेमंद। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह रात के अंदर एक मिसाल दे के फरमाया अल्लाह ने, कि जिस तरह से सोने के अंदर से जब उसको पिघाला जाता है और उसके अंदर से जब सोना खरा होता है तो झाग बनकर उसके अंदर से सब चीज़ जो है निकल जाती है, उड़ जाती है, समुद्र के अंदर झाग आते हैं और उड़ जाते हैं, असल चीज उसके अंदर बाकी रहती है, तो सोना रह जाता है, बाकी जितना खार रहता है वो झाग बनकर उड़ जाता है, तो असल रहता है दुनिया के अंदर, और बाकी सब तो उड़ जाता है, मिटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये अगर असल पर अगर हम रहें, लोगों को फ़ायदेमंद रहे, तो जो चीज़ फ़ायदेमंद होती है वो दुनिया में रहती है, बेफायदा अल्लाह उसको हटा देता है। तो हम लोगों के अगर फ़ायदेमंद रहेंगे तो हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, जो आज हालत हमारे साथ में, लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ, आपकी ये खुद हिफाजत करें। जिस तरह से ये वाकया हमको मिलता है कि वो गैर मुस्लिम ने जो उनकी उसकी हिफाजत करी उस शख्स की, अब लेकिन ये एतमाद ख़त्म हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लम नबूत से पहले की ज़िंदगी थी, जब ये किरदार आता है, क्योंकि जब ये सिलेक्शन अल्लाह के रसूल सल्लम का किया, हालांकि मैंने बताया था इससे पहले कि सिलेक्शन तो अल्लाह का पैदाइश के वक्त से ही होता है, और वो पैदाइश से अल्लाह के रसूल सल्लम जो रसूल होते हैं उनकी हिफाजत और तरबियत अल्लाह बचपन से ही करता रहता है, और उसका सिलेक्शन होता है। लेकिन कुरान में ये भी कहा, हमसे भी कहा, सूरे हज की सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत में 78 नंबर इस्तबा को, कि हमने तुमको सिलेक्ट किया, हमने तुमको चुन लिया। तो असल तो ये है कि हमको जब चुना तो हमारे अंदर अल्लाह के रसूल को चुना था, किरदार अखलाक और ये सब चीज़ें उनके अंदर थी, तो हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए अगर अल्लाह ने हमको चुना है। हम अगर कुरान पढ़ रहे हैं तो हमसे ही किताब है कि हमको चुना है, तो ये सब सिफात होनी चाहिए।